हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल छाया जी में बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप सभी को चावल बनाना सिखाऊंगी। ये चावल मैंने 250 ग्राम्स ले रखा है और मैं जिस कटोरी में भर कर ये चावल बना रही हूँ उसी से ही मैं पानी भी ना के लूँगी, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि आपको कितने चावल में कितना पानी ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इन चावल को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर बाद में 3 लीटर के कुकर में बताएंगे कि कितना आपको पानी लेना है और किस तरह से इसको बॉईल करना है, कितनी सीटियों के साथ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चावलों को अच्छी तरह से धोकर इस कुकर में डाल दिया है और अब जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था, एक कटोरी, उसी से मैं पानी को नाप के डालूंगी आपके सामने। 1.5 कटोरी, मतलब 1.5। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें इसकी लिड लगाऊंगी और इसको फिर मैं हाई फ्लेम में ही कुक करूंगी और वो भी 1 विसल के साथ, 1 सीटी के साथ। 1 सीटी हाई फ्लेम में ही कुक करना है और फिर बाद में इसको मैं बंद कर दूंगी, सीटी को नहीं निकालूंगी, इसको नॉर्मली अपना नेचुरली ठंडा होने दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा इसके बाद में मैं इसकी लिड चेक करूंगी और फिर आपको दिखा दूंगी कि चावल कितना खिला खिला बना है, क्योंकि पानी ज़्यादा या कम डालने से आपको पता ही है जलने का भी नीचे डर होता है और साथ में चावल गीला भी बहुत बनता है, जो कि हमेशा से टेस्टलेस ही माना गया है। इसलिए इस मेथड से भी आप पकाएंगे तो आपका चावल बहुत ही खिला खिला और बहुत ही सुंदर और टेस्टफुल रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चावल को कुकर में चढ़ा दिया है और सिर्फ 1 सीटी आने का वेट कर रही हूँ और आफ्टर 1 सीटी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और अभी फुल फ्लेम पर है गैस। ये देखिए फ्रेंड्स, विसल आने वाली है। और ये मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको नेचुरली मैं ठंडा होने दूंगी। आफ्टर दैट मैं इसकी लिड को ओपन करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि चावल कितना खिला खिला और प्यारा प्यारा बना है। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चावल बिल्कुल खिला खिला तैयार है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।